हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 के अंतर्गत रीजनिंग से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, आज वही डिस्कस करेंगे। वो कैसे सॉल्व किया जाए कोडिंग डिकोडिंग, वो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, कैसे कम से कम समय में इसको सॉल्व किया जा सके। तो मेरा नाम है आशुतोष, मेरे साथ बने रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी की किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले प्रदान की जाएगी, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जाएगा वो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत ही बताया जाएगा। आपकी भाषा जो होगी हिंदी में ही होगी या इंग्लिश में होगी, यह लेक्चर दोनों मीडियम के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और जो भी हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, तर्क आपको मैं बताऊंगा, वो समझ लीजिए क्वेश्चंस वहीं से बनने वाले हैं, ठीक है। तो अब अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से कर दीजिए, क्योंकि 9 जनवरी को संडे के दिन 2022 को आपको एग्जाम है। तो आप किसी भी सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं तो समझ लीजिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रीजनिंग के मायने में। हर कंपटीशन में कोडिंग डिकोडिंग पूछा ही जाता है, ठीक है। सिर्फ सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के ही कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, बल्कि अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा में भी यह पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको इंग्लिश अल्फाबेट का जो नंबर होते हैं A to Z, उनको आपके बारे में ज्ञान होना चाहिए, उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, A to Z स्पेलिंग आपको तो मालूम होगी, अल्फाबेट्स मालूम होंगे A to Z। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इन इंग्लिश अल्फाबेट अंग्रेजी अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर पाए जाते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं, A से Z तक 26 लेटर होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ए का जो प्लेस होता है एक होता है, बी का प्लेस दो होता है, सी का प्लेस तीन होता है, उसी तरह चलता जाता है क्रमानुसार जेड तक। तो मैं आपको लिख भी देता हूँ, देखिए। तो मैंने एक काउंटिंग चालू किया है, एक प्रारंभ से मैंने लिखना प्रारंभ किया है और एक अंत से लिखना प्रारंभ किया है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने पहले इधर से चलने का प्रयास किया है, मतलब फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव किया है, ठीक है। तो ए कौन से प्लेस पे आ रहा है, एक प्लेस पे आ रहा है, फिर बी कौन से प्लेस पे आएगा, दो प्लेस पे, सी कौन से पे आ रहा है, तीन पे, डी 4 पे, ई 5 पे, उसी तरह यफ है 6 पे, जी है 7 पे, एच है 8 पे, उसी तरह लास्ट जेड कितने पे आ रहा है, 26 पे आ रहा है। तो एक बार आपको फॉरवर्ड में याद कर लेना है, ठीक है, और एक बार आपको रिवर्स में याद कर लेना है, मतलब एक बार ए को 1 मानना है, उसके बाद आपको इसी तरह फॉरवर्ड में बढ़ते जाना है, ठीक है। और एक बार लास्ट में जब जेड आता है तो आप इसको जेड को 1 कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि कैसे नंबरों को याद किया जाए, अल्फाबेट नंबर्स को कैसे याद किया जाएगा। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 8 कौन से पोजीशन पे आता है, तो 8 आपको फॉरवर्ड में मालूम रहेगा, तुरंत आप बता देंगे 8वें पोजीशन पे आता है, बोल देगा यस कौन से पोजीशन पे आता है तो आपको मालूम होगा, तो आप लोग बता देंगे 19th पोजीशन पे आता है फॉरवर्ड में। रिवर्स में बात किया जाए, रिवर्स में उल्टा, मतलब जेड से अब हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, एक
इसको कंसीडर करते हैं, एक मानते हैं, जेड को एक मानते हैं, ठीक है। उसके बाद वाई को 2 मान लेते हैं, एक्स को 3 मान लेते हैं, डब्ल्यू को 4 मान लेते हैं, वी को 5 मान लेते हैं, यू को 6 मान लेते हैं, टी को 7 मान लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग मानते जाते हैं और लास्ट में ए को 26 मान लेते हैं। तो ये रिवर्स वाला हो गया प्रक्रिया आपका, ठीक है। तो ये याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, यदि नहीं याद हो पाता है तो घबराने की कोई बात नहीं। तो आप लोग को यदि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिख जाए तो सबसे पहले आप लोग A टू Z आप लोग अल्फाबेट लिख लीजिए, उसके बाद उसकी नंबरिंग कर लीजिए, एक बार फॉरवर्ड में, एक बार रिवर्स में, एक बार सीधी प्रक्रिया में, एक बार उल्टी लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले अब हमें कुछ सीखना भी जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग याद करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक टेक्निक भी यूज की कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको लिखा भी हूँ, ठीक है। तो EJOYT OTY है, EJOTY। ई 5वें पोजीशन पे है, उसी प्रकार जेड 10वें पे आता है, ओ 15वें पे, टी 20वें पे और वाई 25वें पोजीशन पे आता है। उसके बाद आप लोग इसके बीच का नंबर, इसके बीच का अल्फाबेट मालूम कर सकते हैं। यदि आपको इतना नंबर मालूम चल जाएगा, ई कौन से पोजीशन पे है, जे कौन से पोजीशन पे है, ओ कौन से पोजीशन पे है, टी कौन से पोजीशन पे है, वाई कौन से पोजीशन पे है, तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देता है कि जी कौन से पोजीशन पे आएगा, तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं ई एफ जी, यानी कि ई एफ जी मतलब आपका तीसरा पोजीशन, यानी कि 5 में 3 हो जा रहा है, यानी कि 8वें पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है जी, 8वें पोजीशन पे आ रहा है। इसका मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ जी, आपका फॉरवर्ड में जी 7वें पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, आई कॉल 8th पोजीशन ऑफ जी, बट इट इज मेंशनड 7 पोजीशन, ठीक है, ई एफ जी, ठीक है, एफ जी यानी कि 7वें पोजीशन पे होगा, बाय मिस्टेक 8 में बोल दिया, लेकिन 7वें पोजीशन पे आता है जी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और रिवर्स EJOTY, या इसमें जेड से ए तक का कंसीडर करते हैं, मतलब जेड को 1 मान लेते हैं, ठीक है, जेड को 1 मान लेते हैं, फिर उसके बाद वाई को 2 मान लेते हैं, इसी तरह प्रक्रिया चलती जाती है, और लास्ट में ए को क्या मान लेते हैं, 26 मान लेते हैं। तो एक बार प्रारंभ से आप लोग याद कर लीजिए, एक बार जेड से ए तक का याद कर लीजिए। याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते हैं तो आप लोग वही अल्फाबेट्स लिख कर ए से जेड तक आप लोग काउंटिंग वहां से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक क्वेश्चन है हमारा कि कोड है हमारा AYN को ZBMZ से दिखाया जाता है, ठीक है, मतलब इसका कोड है अन्या का, ANYA अन्या का कोड है, अन्या का कोड है ZBMZ, ठीक है, अन्या का कोड है AYNA, अन्या का कोड है ZBMZ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली देखिए ए का पोजीशन कौन से पे है, फर्स्ट का, ए का 26 पे है, ए का फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, ए का फर्स्ट पोजीशन है फॉरवर्ड में, मतलब सीधी गिनती में। देखिए मैं आपको दिखाता हूं,
ठीक है, देखिए यहां पर ए का फर्स्ट पोजीशन है, उसी प्रकार रिवर्स में देखा जाए तो जेड का फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, देखें आप लोग। ओके, तो ए यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे है और यहां पर जेड कौन से पोजीशन पे है, इसमें भी रिवर्स में फर्स्ट पोजीशन पे ही है, ठीक है। उसी प्रकार वाई, वाई कौन से पोजीशन पे है, रिवर्स में, वाई रिवर्स फॉरवर्ड में कौन से पोजीशन पे है, देखिए वाई यहां पर रिवर्स फॉरवर्ड में यानी कि 25वें पोजीशन पे है, तो उधर भी कौन से 25वें पोजीशन पे है, यहां पर बी है, ठीक है, देखिए यहां पर बी है, ठीक। उसी प्रकार यन कौन से पोजीशन पे है देख लेते हैं, एन आपका 14वें पोजीशन पे है, एन आपका 14वें पोजीशन पे है, तो रिवर्स में देखा जाए, उल्टा में देखा जाए तो 14वें पोजीशन पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो देखिए एन का एम हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ए फर्स्ट पोजीशन पे है तो जेड उधर से रिवर्स में कौन से फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, जेड आएगा, ठीक है, तो ये आपका इतना हुआ। उसी प्रकार जैसा तालमेल यहां पर बैठा है इसमें, अब वही तालमेल इसमें बैठाना है हमको, तो जैसे एन यू टी एस है तो 1 2 3 4 हमने बना लिया, अब 4 ही अक्षर यहां पर बनेंगे, ठीक है। तो एन देखिए इसमें कौन से पोजीशन पे है, एन एन हमारा फॉरवर्ड में मतलब सीधी प्रक्रिया में देखा जाए तो 14वें पोजीशन पे है, ठीक है, एन 14वें पोजीशन पे है, तो उधर से एन, उधर से 14वें पोजीशन पर कौन सी संख्या आ जाएगी, कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा, 14वें पोजीशन पे एम आ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट लेटर होगा एम, ठीक है, फर्स्ट लेटर हमारा एम होगा। उसी प्रकार अब यू को देख लेते हैं, यू कौन से पोजीशन पे है, तो यू आपका 21वें पोजीशन पे है, यू आपका 21वें पोजीशन पे है, फॉरवर्ड में सीधी प्रक्रिया में सीधी गिनती गिना जाए तो यू 21वें पोजीशन पे है, तब वही रिवर्स में देखा जाए, उल्टा में देखा जाए तो 21वें पोजीशन पे कौन सा आएगा, 21वें पोजीशन पे एफ आएगा, ठीक है, 21वें पोजीशन पे कौन सा आएगा, एफ आएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं एफ एफ, ठीक है। उसी प्रकार टी को देख लेते हैं, टी कौन से पोजीशन पे आएगा फॉरवर्ड में, टी 20वें पे आ रहा है, टी 20वें पे आ रहा है, तो उधर से टी उल्टा में टी किधर से आएगा, जब उल्टा पढ़ेंगे जेड का, जेड से ए तक, तो टी कौन से पोजीशन पे आएगा, जी वाले पोजीशन पे आएगा, ठीक है, तो यहां पर जी लिख लेते हैं। बस आपको कंसेप्ट यही अप्लाई करना है कि जैसे कि इसका कंसेप्ट है जो, वही कंसेप्ट यहां पर लागू करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं यस कौन से पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, यस आपका आ रहा है 19वें पोजीशन पे, एस आपका 19 पोजीशन पे आ रहा है, तो उधर से देखा जाए, जेड की तरफ से देखा जाए तो 19वें पोजीशन पे कौन कौन सी अल्फाबेट आएगी, आपकी आएगी एच, तो एच लिख लेते हैं, ठीक है, तो यही आपका एंसर हुआ, एम एफ जी एच, यही डिकोड हुआ, ठीक है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं, आपके हर पड़ाव पे ये बहुत ही काम करती है, जो रॉ एजेंट होते हैं जैसे हमारी मिलिट्री की कोडिंग जो भाषा होती है इसी पर बेस्ड होती है, यदि कोई मिशंस को लॉन्च करना होता है
या कोई मिशन को एबॉर्ट करना होता है तो यही भाषा प्रयोग की जाती है। क्योंकि भाषा इसलिए प्रयोग की जाती है क्योंकि इनकी सिक्योरिटी प्राइवेसी बहुत मजबूत रहे, कोई डाटा लीक होने की संभावना नहीं होती है। इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग आर्मी में भी डिफेंस में भी यूज होता है, बड़े पैमाने पे यूज होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके कंपटीशन में ही नहीं, आपके हर दैनिक जीवन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। प्रैक्टिस करते करते समझ लीजिए आपको क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। मैं आपको इतना क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि आप रीजनिंग में एकदम फोड़ कर आएंगे, 25 में 25 क्वेश्चंस सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के कूट संकेत, कूट अर्थ समझकर उनके उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प ढूंढकर उसका क्रमाक्षर उत्तर के रूप में लिखें। तो चलिए कंसेप्ट लगाते हैं क्या। यदि देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि सी डी ई एफ का कोड जी एच आई जे है तो पी क्यू आर एस का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर तालमेल दे दिया है, इसका रिलेशन दे दिया है इसके साथ, तो हम लिख लेते हैं सी डी ई एफ का कोड है जी एच आई जे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यही टेक्निक अपनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सी का जी से क्या संबंध है, सी का जी से क्या संबंध है। ठीक है, तो सी के बाद काउंटिंग करिए, डी ई एफ जी चौथे पोजीशन पे आ रहा है, यानी कि 4 ऐड हो रहा है सी में, तब हमारा जी का जी आ रहा है, जी वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, +4 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार डी में देख लेते हैं, डी में जब आपका देखते हैं डी ई एफ जी एच, तो इसमें भी कौन से पोजीशन पे आ रहा है, +4 हो रहा है डी में, तब आपका एच आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका +4 हुआ। ठीक है, उसी प्रकार अब ई का देख लेते हैं, ई का आई के साथ क्या संबंध है, ई का आई के साथ क्या संबंध है, काउंटिंग करते हैं, ई के बाद एफ जी एच, ई के बाद एफ जी एच आई, यानी कि इसमें भी +4 हो रहा है, तो हमारा आई आ रहा है। ठीक है, आई आ रहा है, यानी कि +4 इसमें भी हुआ। ठीक है, उसी प्रकार अब एफ का देख लेते हैं, इसमें कितना ऐड कर रहा है कि जे आ रहा है, तो ये आपके बाद काउंट करिए जी एच आई जे, यानी कि इसमें भी +4 हो रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल इसमें +4 हो रहा है। उसी प्रकार अब देखिए जो यहाँ पर टेक्निक हुआ है, यानी कि इसमें सभी जो आपका इसका कोड दिया गया था, ये वर्ड में ये जो कोड दिया गया है, इसमें आप इसमें सभी में +4 ऐड हो जा रहे हैं, तब उसी प्रकार जो अब इसका हमसे कोड पूछा है पी क्यू आर एस का, तो इसमें भी क्या करेंगे, +4 ऐड कर दीजिए, बस आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो P में +4 ऐड करेंगे, P में +4 ऐड करिए, Q R S T, जब P में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, T आ जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार Q में +4 ऐड करिए, R S T U, कितना आएगा, U आ जाएगा, तो U भी लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद R में +4 ऐड करिए, कितना आएगा, R के बाद क्या आएगा, S T U V, यानी कि
भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एस में आप 4 ऐड करिए, कितना आएगा? टी यू वी डब्ल्यू, कितना आया? डब्ल्यू, यानी कि आपका आंसर हुआ टी यू वी डब्ल्यू, ये आपका आंसर हुआ। तो आप देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन टी यू वी डब्ल्यू ऑप्शन सेकेंड सही है। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए ये इसका कोड सी डी ई एफ का कोड दिया है, सी डी ई एफ का कोड जी एच आई जे दिया है। ठीक है, तब वही रिलेशन इसमें देखकर बनाना है और इसमें कुछ नहीं करना होता है। यदि आपको एक का रिलेशन मालूम चल जाएगा तो अगला का रिलेशन वही होता है जो पहले वाले में होता है, वही सेकेंड वाले में भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एम एन डी का कोड डब्ल्यू एन डी है, ठीक है, एम एन डी का कोड डब्ल्यू एन डी है, तो डब्ल्यू पी का कोड डब्ल्यू पी बी का कोड क्या होगा? चलिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए दिमाग लगाना होता है और कुछ नहीं, वैसे भी आप लोग इतना होशियार हैं। एम एन डी का कोड है डब्ल्यू एन डी, ठीक है, तो एम का डब्ल्यू से रिलेशन है और एन का एन ही है, डी का डी है, यानी कि इससे हमको यह मालूम चल जाता है कि डब्ल्यू पी बी, मतलब हमको तो 2 लेटर का मालूम चल गया क्या होगा, लास्ट के 2 लेटर का तो मालूम चल गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर एन है यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी एन है यहाँ पर डी है, उसी प्रकार यहाँ पर पी होगा यहाँ पर बी होगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, पी हो जाएगा और यहाँ पर बी हो जाएगा, पी बी। ठीक है, ओके अभी देखते हैं। उसके बाद एम का क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया, तो यहां पर डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, यानी कि एम पी बी, एम पी बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम पी बी, यहां पर ऑप्शंस गलत लिखा गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन सेकेंड होगा, यहां पर पी है। ठीक है, गलत टाइपिंग हो गई है, पी बी, तो आपका आंसर क्या होगा, एम पी बी, यही सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, यदि एफ जी एच आई का कोड 30 है तो आर ए पी सी का कोड क्या होगा? ठीक है, आर ए पी सी का कोड क्या होगा? तो इसको भी हम लोग करते हैं बहुत ही आसानी के साथ, लेकिन इससे पहले हम लोग वही टेबल यूज करेंगे जो कि अल्फाबेट का होता है। ठीक है, तो अभी उसको स्क्रीन पर लाते हैं।
ये आ गया स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ, अब बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एफ जी एच आई का कोड कितना है? 30 है। एफ जी एच आई का कोड कितना है भाई? 30 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड लिख लेते हैं, एफ जी एच आई, ठीक है। तो ये 30 दिया हुआ है, तो इसमें क्या अपनाया जा रहा है देखते हैं। एफ कौन से पोजीशन पे है? छठवें पोजीशन पे है, ठीक है। जी कौन से पोजीशन पे है भाई? जी सातवें पोजीशन पे है। एच कौन से पोजीशन पे है? आठवें पोजीशन पे है। और आई कौन से पोजीशन पे है? नौवें पोजीशन पे है। तो आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखिए मैं बताता हूं, 7 6 13, ठीक है। 7 6 13, 13 8 21, 21 हुआ। 21 में 9 जोड़ दिया, कितना होगा? 30 हो गया। यानी कि सभी का सम हो रहा है यहाँ पर, तब हमारा 30 मिल रहा है, ठीक है। यानी कि जो अल्फाबेट हैं इनकी पोजीशन का एडिशन कर दिया गया है फॉरवर्ड वाले से, ठीक है। ठीक है, उसी प्रकार आर ए पी सी का तब देख लेते हैं। आर ए पी सी, आर कौन से पोजीशन पे आएगा? आर आपका पोजीशन पे 18वें पे आएगा। उसी प्रकार ए कौन से पोजीशन पे आएगा? पहले पोजीशन पे। पी कौन से पोजीशन पे आएगा? 16वें पोजीशन पे। उसके बाद सी तीसरे पोजीशन पे, ठीक है, तीसरे पोजीशन पे। तो देखिए, 16 3 19, 19 1 20। अब 20 18 कितना हो जाएगा? 38। 20 18 38, यानी कि आपका ऑप्शन चौथा सही है, ठीक है। ओके, समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो इसी टेबल को मैं एक बार फिर से अगले स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। देखिए, टेबल का बहुत ही जरूरी है। यदि टेबल आप लोग एग्जाम में बना लेते हैं तो समझ लीजिए, रीजनिंग करने से पहले सबसे पहले क्या करिए, आंख बंद करके इसी को बनाइए, क्योंकि समय आप लोगों का बच जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, ठीक है। देखिए इसका कोड क्या दिया हुआ है? सी पी एम पी का कोड 31611 है, तो लिख लेते हैं। सी पी एम पी का कोड कितना है? 3 1 6 1 1। तो देखिए, इस 3 सी कौन से पोजीशन पे आ रहा है भाई? तीसरे पोजीशन पे, इसलिए यहां पर ये 3 यूज किए हैं भाई साहब। उसके बाद पी कौन से पोजीशन पे आ रहा है?
पी आपका पोजीशन पे आ रहा है 16वें पोजीशन पे, तो इसलिए भाई साहब ने ये 16 लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद एम कौन से पोजीशन पे आएगा, एम आपका पोजीशन पे आएगा, एम आपका 13 पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। एम आपका 13 पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। एम 13 पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर 13 हो गया। उसके बाद पी कौन से पोजीशन पे आएगा, पी आपका पोजीशन पे आएगा 16वें पोजीशन पे, ठीक है। 16वें पोजीशन पे आएगा। उसी प्रकार अब देखते हैं बी टी सी क्यू, बी टी सी क्यू का देख लेते हैं अब। बी टी सी क्यू, बी कौन से पोजीशन पे आएगा, दूसरे पोजीशन पे। टी कौन से पोजीशन पे आएगा, 20वें पोजीशन पे, ठीक है, 20वें पोजीशन पे। सी आपका तीसरे पोजीशन पे आएगा, और क्यू आपका आएगा, क्यू आपका आएगा 17वें पोजीशन पे, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या मिल रहा है आपका, 22 03 17, 22 03 17 आपका ऑप्शन पहला सही है। लेकिन क्वेश्चन में इसका कोड गलत लिखा गया है, कोड इसका होगा 31 61 31 6, ये कोड होना चाहिए था, ठीक है। तो इस कोड को आप लोग कंसीडर करिएगा, ठीक है, ओके, बढ़िया शानदार। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा यह क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा। यदि हर का संबंध है, हर का कोड ही जैसे है, तो ही का कोड क्या होगा, बहुत ही शानदार ये भी है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। हर का कोड है HER का हीज, ठीक है। तो हर का एच का एच ही रह जा रहा है, लेकिन ई का क्या हो रहा है, ई एफ जी एच आई, यानी कि ई के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद आएगा एफ जी एच आई, यानी कि +4 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आर का आर एस, यानी कि +1 हो रहा है, ठीक है। तो ही का कोड क्या होगा, तो ही का भी कोड वही अपनाएंगे, इसमें तो 0 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में एच ई का होगा, इसमें तो पहले वाले में 0 ऐड करेंगे और फिर उसके बाद +4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो एच में 0 ऐड करेंगे तो एच ही रहेगा, और ई में +4 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ई के बाद एफ जी एच, क्या होगा भाई, एफ जी एच, एफ जी एच, यहां पे भाई 4 हो रहा है ना, कहीं मिस्टेक कर दिया क्या हमने, हाँ मिस्टेक कहाँ किया है देखते हैं। ई के बाद यहां पर ई के बाद एच कौन से पोजीशन पे आ रहा है, तीसरे पोजीशन पे आएगा, ई में 3 जोड़ा जाएगा तभी तो आई आएगा, एफ जी एच आई। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए था, ही का कोड होगा हमारा, ही का क्या हो सकता है, ई में देखते हैं एक बार फिर से, एच का कोड तो एच ही रहा, ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ई का कोड आई हो रहा है, ई एफ जी एच आई +4 सही है हम लोग का, आर एस यानी कि +1 हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग +4 करेंगे, +4 ही करेंगे, यानी कि ई का हो जाएगा एफ जी
एच आई, यहाँ पे आई होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर आई होगा क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि एच आई, लेकिन यहाँ पर एच आई नहीं दिया है, मिसप्रिंटिंग से सभी के सभी यहाँ पर ऑप्शन भी गलत हो जा रहे हैं भाई, बताओ। यानी कि ऑप्शन पहला सही होगा, ठीक है, एच आई होगा। यदि मैं सिर्फ समझाने के लिए यह प्रयास किया हूँ, क्योंकि टाइपिंग से महत्व नहीं रखता, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस कितना भी गलती हो, लेकिन आपको क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने का तरीका आपको मालूम है, तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन 100% सही है। भले ही क्वेश्चंस जो भी लिखा हो, क्वेश्चंस पे नहीं जाइए, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं। यदि स्टैंड का कूट संकेत TSBME तो स्लीप का कूट संकेत होगा, तो स्टैंड का कूट संकेत क्या है? TS, स्टैंड का STANDE, स्टैंड का कूट संकेत दिया है TSBME, तो इसमें भी कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में तो दिख रहा है, इसमें आपको दिखाई भी दे देगा। देखिए, एस का जो इसको ट्रांसफर किया है दूसरे पोजीशन पे, उसी प्रकार टी को पहले पोजीशन पे ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर स्लीप को भी लिख लेते हैं, आसानी रहेगा। SLEEP, ठीक है। ओके, लेकिन हमारा आंसर इस तरह तो मिलेगा ही नहीं, इस तरह आंसर मिलने वाला है नहीं। जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं, मैं एक और टेक्निक बताता हूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक और बताता हूं आपको। एस में क्या हो रहा है? टी कर दे रहा है, ठीक है। और टी का क्या हो रहा है? एस हो रहा है। ए का बी हो रहा है, एन का एम हो रहा है, डी का ई हो गया। कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया? आया कि बताइए, आया कि नहीं आया? आ गया। ओके ओके, ठीक है। देखिए, एस में क्या कर रहा है? ए का ऐड कर रहा है, तो टी हो जा रहा है। और टी में एस एक ऐड कर रहा है, तो एक सबट्रैक्ट कर रहा है ना, और यहां पर एक सबट्रैक्ट कर रहा है, यहां पर माइनस साइन होगा, ठीक है, यहां पर माइनस होगा। देखिए, आप लोग यहां से भी देख सकते हैं, एस में एक ऐड किया तो टी हुआ, और टी में से एक घटाया तो यस आया, तो यहां पर माइनस एक हो गया, ठीक है। ए में एक जोड़ दिया है तो बी हो गया। उसी प्रकार एन एन वाला देखा जाए तो यहां पर एम हो रहा है, यानी कि -1 हो रहा है। एन से एक पीछे जाएंगे तो -1 हो रहा है, तब हमको एम मिल रहा है। डी में क्या हो रहा है? ई, यानी कि +1, यानी कि बेसिक हो रहा है यहाँ पे, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो एक बार यहाँ पर प्लस करिए 1, और एक बार यहाँ पर -1 करिए, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, ठीक है। तो एस में एक बार प्लस करते हैं तो कितना आएगा? एस में एक बार प्लस करते हैं तो टी आएगा, ठीक है। और एल में, एल से एक पीछे जाते हैं तो क्या आएगा? के आएगा, ठीक है। और ई में एक बार पीछे जाएंगे तो डी आएगा। नहीं, गलत बोल दिया हमने ना? हाँ, अब तो एक बार अब सबट्रैक्ट किया, एक बार ऐड किया,
एक बार सेपरेट किया, एक बार ऐड किया, इसी तरह चलता जा रहा है क्वेश्चंस का फॉर्मेट ना। तो यहाँ पर एक बार एडिशन हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अब हमारा हो जाएगा, अब क्या करेंगे, ई में एक बार ऐड करेंगे तो एफ हो जाएगा। अब एक बार यहाँ से ई वाले को देखा जाए, यहाँ से माइनस करेंगे यानी कि डी हो जाएगा। अब पी में एक ऐड करेंगे तो क्यू हो जाएगा, यानी कि टी के एफ डी क्यू, टी के एफ डी क्यू, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है आपका, दूसरा सही है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और अपनी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी यदि पूरे ढंग से करना चाहते हैं तो आप लोग लेक्चर को पूरा देखा करिए, लेक्चर को मिस नहीं करिए, बीच में स्किप नहीं करिए। ठीक है, यदि एक बार बैठते हैं तो इस लेक्चर को ख़त्म करके ही बैठा करिए। स्पेशली जब आप लोग लेक्चर को देखें तो अपने पास कलम कॉपी लेकर ही बैठें। ठीक है, और इसको जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है, जो नोट्स बनाना होता है, वो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ हमको इस कोडिंग डिकोडिंग में सीखने का यह यहाँ पर सीखना होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, ए से जेड तक का आपको फॉर्मेट तैयार करना होगा, 1 2 3 4 5 नंबरिंग करना होगा। ए को 1 मानिए, बी को 2 मानिए, सी को 3 मानिए, डी को 4 मानिए, ई को 5 मानिए, उसी प्रकार जेड को 26 तक मान लीजिए। ठीक है, एक बार सीधे लिख दीजिए, एक बार रिवर्स में लिख दीजिए, उल्टी गिनती टाइप में लिख दीजिए। तो एक बार जेड को 1 कंसिडर करिए और ए को 26 कंसिडर करिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस समाप्त तो होता है। ठीक है, लेक्चर आई हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, और अपने मित्रों को भी बताएं कि यहाँ सैनिक क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पर सिर्फ सैनिक स्कूल की ही तैयारी नहीं कराई जाती, सैनिक स्कूल की भी तैयारी कराई जाती है, साथ साथ नवोदय विद्यालय के भी, मिलिट्री स्कूल के भी, RIMC की भी। ठीक है, वही मिलिट्री स्कूल ही है, और सेंट्रल हिंदू स्कूल जो कि BHU में स्थित है, समझ लीजिए सभी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है, स्कूली प्रतियोगिता परीक्षाएं स्पेशली। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।